दूसरा जो धर्म है, इस धर्म की शुरुआत कहां से हुई, धर्म आया कहां से, अगर इसकी रिसर्च करेंगे तो पता लगेगा जाति और धर्म दोनों की रचना चालाक इंसानों ने की है। और उन चालाक इंसानों ने समाज को इस तरीके से बांटा है, समाज के संसाधनों को इस तरीके से बांटा है ताकि सब चीजों पर उनका कब्जा रहे, और वही हुआ। आखिर रोहित वेमुला या उन जैसे लोग शहादत क्यों देते हैं? अगर कुछ बच्चे बहुत मेहनत करके निचले स्तर से निकल के मेडिकल में आते हैं, इंजीनियरिंग में आते हैं, और वहां उनकी लाख मेहनत के बाद भी कई कई साल लगातार उनको फेल किया जाए, और तो इंटरव्यू में फेल कर दो, उसे मेल में बैठने मत दो, थ्योरी में पास हो जाए तो इंटरव्यू में फेल कर, जो भी होता है उसमें फेल कर दो वाइवा में, तो बच्चे को इतना डिमोरलाइज कर दो, इतना डिमोरलाइज कर दो कि वह आत्महत्या करने को मत, या फिर किसी लायक ना बचे। इस पर रिसर्च होना चाहिए कि प्रोफेशनल कोर्सेज में पूरे देश में कितने बच्चे फेल हुए, किस सब्जेक्ट में हुए, थ्योरी में हुए या प्रैक्टिकल में हुए या वाइवा में हुए, और उन फेल होने वाले बच्चों की जातियां क्या है, इस पर रिसर्च होना चाहिए। और इस पर भी रिसर्च होना चाहिए कि हर साल यूनिवर्सिटीज के अंदर मेडिकल में और इंजीनियरिंग में कितने बच्चों ने सुसाइड किया, और जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनकी जातियां क्या थी और सुसाइड के कारण क्या थे, तो सारी की सारी बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी। दूसरा एक चीज समझने की है कि जब से, पहली बात तो जो धर्मशास्त्रों में जिस समाज को सबसे निचले पायदान पे रखा और धर्मशास्त्रों में उसके पढ़ने लिखने पे बंदिश लगा दी, उसके संपत्ति अर्जित करने पे बंदिश लगा दी, और काम के बदले में पैसा नहीं मांग सकता, बचा हुआ खाना मिलेगा सिर्फ, 18-18 घंटे काम लेना और काम के बदले में बचा हुआ रोका सोका खाना देना, क्योंकि अगर रोका सोका भी नहीं दिया तो मर जाएगा तो उनके घर में सेवा कौन करेगा, गुलामी कौन करेगा, चाकरी कौन करेगा, उनके खेत में मजदूर का काम कौन करेगा, इसलिए मरने नहीं देना है, उसको रोका सोका खाना देना ताकि वो जिंदा रहे। वो कौन लोग हैं जिनका देश की पूरी कृषि की भूमि जिनके पास है, वो कौन लोग हैं देश की इंडस्ट्रीज जिनके पास है, वो कौन लोग हैं प्राकृतिक सभी प्रकार के संसाधन खनिज पदार्थ जिनके पास है, ये खेत की जमीन प्राकृतिक संसाधन क्या कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा होता है? अगर नहीं तो कुछ ही लोगों के इसके मालिक क्यों, और जिसको चौथे पायदान पर रखा वो मालिक क्यों नहीं, खेत की जमीन में हमारा हिस्सा क्यों नहीं है? और तो और, जब हमें पढ़ने लिखने के दरवाजे हमारे लिए खुल गए, और ये जो रिप्रेजेंटेशन हमें बाबा साहेब ने बल्कि दिलाया, क्या कहूं, अगर सही मायने में 1930, 1931, 1932 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे चर्चा हो जाए, ये राउंड टेबल क्या थी, इसमें देश के सभी जाति धर्म के लोगों को अंग्रेजों ने जाने से पहले मौका दिया कि आप भाई अपनी बात रखो, और वहां बाबा साहेब ने अपनी बात रखी कि भाई आप तो जाने वाले हो, हम लगातार इस देश के मूल निवासी होकर 4000 साल से गुलाम हैं, क्या आपके जाने के बाद भी हम गुलाम रहेंगे, आप जा रहे हो कम से कम हमें भी तो आजाद कर दो। उसके बदले में उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल मांगा, पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांगा, अंग्रेज लोग कन्विंस हुए, उन्होंने इस बात पर सहमति दी कि हाँ पृथक निर्वाचन क्षेत्र आपको मिलना चाहिए, और सभी जाति धर्मों की स्टडी के लिए जब उन्होंने साइमन कमीशन भेजा,
सब लोग उसके खिलाफ हो गए और जो अंग्रेजों ने बाबा साहब का सेपरेट इलेक्टर की डिमांड को एक्सेप्ट किया उसके विरोध में गांधी जी एनसेल पर बैठ गए और वो स्थिति आ गई कि गांधी जी की जान जाने वाली थी। बाबा साहब पर इतना दबाव बना दिया कि अगर गांधी जी की जान चलेगी तो तुम्हारी पूरी कौम को कत्ल कर देंगे। मजबूरी वश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को समझौता करना पड़ा, बड़े दुखी मन के साथ समझौता करना पड़ा। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव जी साथ रिजर्वेशन कहते हैं ये जबरदस्ती दिया गया, मांगा नहीं था। जो तुमने दिया, जो बाबा साहब की मेन डिमांड को खत्म करके तुमने दिया, आज उसको छीनने की साजिश क्यों? जो 1993 के अंदर इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 9 जज बेंच का जजमेंट आया, आज उस बेंच की उस जजमेंट को खत्म करने की साजिश क्यों? जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गोलकनाथ के केस से लेके केशवानंद भारती के केस से मिनरवा मिल केस से लेके जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से तय किया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नॉट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368, आज तुम उसको बदलने चले हो। तो मैं कोई भी बात ऐसी जो प्रोफेसर रतनलाल जी ने बोली वो रिपीट नहीं करूंगा, जो बाकी साथियों ने बोली मैं वो भी रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि वो सारी बात उन्होंने बोल दी, मैं भी बोलूं टाइम वेस्ट होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सारा विरोध क्यों, इस तरह के अमेंडमेंट्स क्यों, हमारे लोगों को काबिल होने के बावजूद फेल करना क्यों, उन्हें आत्महत्या पे मजबूर करना क्यों? इसकी जड़ में एक ही चीज है कि जो लोग लगातार हमारे 4000 साल से गुलाम रहे, जिनकी मां बहनों की इज्जत हम जब मर्जी लूट लेते थे, जिनके घरों में हम जब मर्जी आग लगा देते थे, जो लोग काम के बदले में कभी पैसे मांगने की हिम्मत नहीं करते थे, इनके अंदर हिम्मत कहां से आ गई? तो उन्हें समझ आया ये हिम्मत, इनको जो स्कूलों में पढ़ने लिखने का मौका मिल गया और इनको नौकरियों में रिजर्वेशन की वजह से आने का मौका मिल गया, इससे इनके बीच थोड़ा सामर्थ्य आया, इससे इनको बोलने की ताकत आ गई। वहीं उन्होंने तय कर लिया कि इनका जिस ताकत से इनको बोलने का मौका मिला है उसी ताकत को खत्म करना है। इस प्रजातंत्र में वोट की राजनीति के चलते वो ये जानते थे कि रिजर्वेशन को खत्म करना आसान नहीं होगा, तो उन्होंने दूसरा रास्ता निकाल दिया, ऐसा रास्ता निकाल दिया कि हमें चारों तरफ से बर्बाद करके रख दिया और हमारे सारे सांसद सोते रहे, कोई भी उस वक्त विरोध नहीं कर पाया। कैसे किया? अब से 40-45 साल पहले जब हम और आप सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे तो तब अमीरों के बच्चे भी सरकारी में पढ़ते थे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल होते ही नहीं थे। टीचर पक्षपात इतना करता था कि भाई क्या नाम है तुम्हारा? रतनलाल। अच्छा तुम पीछे बैठ जाओ। तुम्हारा क्या नाम है? मृत्युंजय शर्मा। आगे बैठ जाओ। इतना पक्षपात तो होता था, लेकिन जब वो ब्लैक बोर्ड पर चौक लेके पढ़ाता था, पढ़ाता तो सबको एक जैसा था, तो जो हमारे इनके जैसे लोग मेहनत मशक्कत करके आगे निकल जाते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि हम ये सरकारी स्कूल बंद तो नहीं कर सकते, और जैसे धर्मशास्त्र के आधार पर पढ़ने लिखने पर बंदिश थी, दोबारा वो बंदिश तो नहीं लगा सकते। तो उन्होंने बहुत सोच समझ के उसी जनो कलेक्शन के थ्रू उसी नागपुर जो इनकी राजधानी है वहां से थिंक टैंक में सोच विचार करके रास्ता निकाला कि भाई सरकारी स्कूल तो बंद नहीं कर सकते, प्राइवेट खोलने से तो नहीं रोक रहा कोई। एक के बाद एक प्राइवेट स्कूल खोलते चले गए और सरकारी स्कूलों को कमजोर करते चले गए। सरकारी स्कूलों में पर्याप्त टीचर नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, सरकारी स्कूलों के स्तर को जानबूझ के गिराते रहे और प्राइवेट स्कूल एक के बाद खोलते चले गए। मिडिल दर्जे के प्राइवेट स्कूल की एक बच्चे की फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, सभी प्रकार के खर्चे को जोड़ ले तो एक बच्चे की एक साल की पढ़ाई पर खर्च आता है 1,00,000 से ज्यादा। सब परिवार में कम से कम अगर 2 बच्चे मान ले तो 2,00,000 तो केवल पढ़ाई का खर्चा। वो लोग ये जानते हैं कि अगर इतना हम कर देंगे, इनमें से 99% ऐसे लोग हैं जो ये 2,00,000 रुपए
का खर्चा नहीं उठा पाएंगे क्योंकि उनके पूरे परिवार की इनकम साल की 2 लाख रुपया नहीं है। इस तरीके से इन्होंने प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया और सरकारी स्कूलों को कमजोर कर दिया। लेकिन ये लोग यहां भी ना रुके, उसके बाद भी इनका मन नहीं भरा, उसके बाद वो ले आए नो डिटेंशन पॉलिसी, किसी भी बच्चे को फेल मत करो, पहली से आठवीं तक ऐसे ही पास कर दो, पहली से आठवीं तक ऐसे ही पास होकर कुछ सीखा ही नहीं, बीमारी की छुट्टी की एप्लीकेशन लिखनी भी नहीं आई, नौवीं में जाकर फेल, चूंकि कुछ सीखा ही नहीं, और कानून बना दे जो नौवीं में फेल हो जाए उसे स्कूल से निकाल दो। ये बहुत बड़ी साजिश है। तो एक तरफ तो इन्होंने हमारे पढ़ने के लिए पढ़ने लिखने के रास्ते को इस तरीके से बंद कर दिया, और दूसरी तरफ जो रिजर्वेशन से हम नौकरी में आ जाते थे धीरे धीरे इन्होंने प्राइवेटाइजेशन शुरू किया 1990 के आसपास, ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी, और तोड़ पिछले से पिछले पे कमीशन में फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट बंद कर दिया, सब कुछ आउटसोर्स। आज डायरेक्टर तक की पोस्ट क्लास वन पोस्ट पे भी डायरेक्ट ठेके पे भर्ती हो रही है, यानी जहां ठेकेदारी प्रथा लागू हो गई वहां रिजर्वेशन बिना करे अपने आप खत्म। तो इन्होंने क्या हमारे आगे बढ़ने के रास्ते को खत्म नहीं कर दिया? क्या उस वक्त हमारे सांसद नहीं थे, हमारे एमएलए नहीं थे? उनकी आंखों के सामने इन्होंने खुलेआम हमारा कत्लेआम कर दिया और संविधान को बेसिक स्ट्रक्चर को तो उन्होंने तभी खत्म कर दिया, यह भी बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ था। हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते को इनडायरेक्ट तरीके से बंद कर दिया, और साजिश यही पे नहीं रुकी, उसके बाद एक के बाद एक साजिश रची जा रही है कि भाई इनके पास जो बोलने की ताकत है इनकी बोलने की ताकत खत्म कर दो, इनको उतना डेमोरलाइज करो, क्योंकि ये जो बोलना इनको आया पढ़ने लिखने से आया है, इन्हें उतना डेमोरलाइज करो या तो सुसाइड करें या पागल हो जाए या घर बैठ जाए पढ़ाई छोड़ के। यानी चारों तरफ से ये हमले हैं, और इसमें ये लास्ट अब हमला जो 10% के नाम पे बेवकूफ बनाने का, जो संविधान बदलने की जो साजिश रची है, क्योंकि आज तक ये वर्षों से कहते आए, आपको याद होगा बिहार चुनाव से पहले मोहन भागवत जी ने कहा था हम जातिगत आधार पर आरक्षण के खिलाफ है, हम इसको आर्थिक आधार पर करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाए। अब इनडायरेक्ट तरीके से ये रास्ता इन्होंने आर्थिक आधार का शुरू कर दिया। अगर कल को भी ये कहने लगे भाई गरीब गरीब है, सब कहेंगे हाँ जी गरीब तो सब गरीब है, और कहने भाई सब गरीबों को हम 60% आरक्षण दे रहे हैं 8 लाख तक की सीमा कवर, तो अब मैं पूछना चाहता हूं अगर ऐसा कर दिया कल को क्या हमारा एक भी आदमी आ पाएगा? क्योंकि 8 लाख तक की सीमा में बड़े बड़े पब्लिक स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कवर कर दिए, जितने सरकारी नौकर को छोड़ दो तो बाकी लोग का इनकम टैक्स की रिटर्न सही फाइल करते हैं, उनकी रिटर्न जो फाइल होती है उनमें सच अपने पता लग जाएगा, जो करोड़ों अरबोंपति लोग हैं लाखों रुपए महीना का किराया आ रहा है वो सारे इसमें कवर हो गए। इसमें फिर गरीब हमारा कोई गरीब समाज का आदमी इसमें नहीं आ सकता। तो ये जो एक बहुत बड़ी साजिश है, ये बिल्कुल नोटबंदी की तरह मोदी जी ताना शासन के सब जानते हैं, और वो सारे निर्णय अंधेरे में रात को चुपके से लेने के आदि हैं। दुखद यह कि उनके निर्णय के खिलाफ जो आवाज बुलंद होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो, सड़क पे तो उतरना ही पड़ेगा अगर आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी है, अगर आपको अपने अधिकार की रक्षा करनी है, अगर आप चाहते हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ अधिकार खत्म ना हो, तो सड़क पे तो हमें उतरना ही उतरना पड़ेगा, और 2019 में मोदी जी को वापस गुजरात भेजना पड़ेगा। अगर ये दोबारा आ गए तो याद रखना जो साजिश एक एक करके वो सही करें, ट्रायल करके देखते किस पे लोग क्या करते। जैसे जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो जजमेंट आया उसको रिटायर होते ही एनजीटी का चेयरमैन बना दिया जज साहब को, गोयल साहब को, ये बहुत बड़ी साजिश है, इनाम दे देते तुरंत ऐसे जज को, तो वो जजमेंट जानबूझ के दिलवाया गया, चेक करना चाहते थे कि इसका क्या रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि वो एक्ट को खत्म करना चाहते थे। इनडायरेक्ट तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच के जजमेंट के खिलाफ 2 जज बेंच की जजमेंट आकर वो लागू हो गई, ताजुब देखे 5 जज बेंच की जजमेंट को ओवरूल कर दिया 2 जजों ने, जो संभव नहीं है। वो तो 2 अप्रैल भला हो समाज के सभी लोग, सभी SC ST OBC के लोग एकजुट हो गए और इतना बड़ा आंदोलन बिना किसी संगठन के कॉल पे कर दिया, उसमें हमारा मुस्लिम ने बैकवर्ड ने बहुत साथ दिया, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हमला इधर ही नहीं है, ये तो अल्टीमेटली गर्दन सबकी कटनी है,
इसके पीछे एक षड्यंत्र और है, वो कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। 90% मुस्लिम मूल निवासी है, 100% ईसाई मूल निवासी है, 70% सिख मूल निवासी है, सिख लीडर सिख, आदि धर्मी सिख, नामधारी सिख, ये सब क्या है, सब मूल निवासी है। इसीलिए हमला या तो सिख पे होगा, या मुस्लिम पे होगा, या ईसाई पे होगा, या दलित पे होगा, बाकी पे हमला क्यों नहीं होता? हमारी जान इतनी सस्ती क्यों? हमें अपनी जान की कीमत समझनी पड़ेगी और बाबा साहब का चलाई हुई मिसाल को अपने खून से हमें सींचना पड़ेगा, वरना हम मिट जाएंगे, लेकिन हम मिटने के लिए तैयार नहीं है। ये दोबारा मनुस्मृति ला के दोबारा हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आपको गुलामी स्वीकार है? भाई हम तो गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, मरने हम मर जाएंगे, लड़ेंगे, मुझे पता हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे हम जीतेंगे।